बात करते हैं मुद्दे की, दिखाते हैं सच, पीछा करते हैं आपके सरोकार से जुड़ी हर खबर का, लाते हैं सच, क्योंकि दिल में सच, जुबां पे सच। नमस्कार, मैं हूं मुस्तफा हुसैन और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। इस समय हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है नीमच मंदसौर संसदीय क्षेत्र के तेज तर्रार सांसद श्री सुधीर गुप्ता। गुप्ता जी, आपका स्वागत है। जब से कोरोना संकट, ये महामारी हमारे सामने आई है, उस दिन से लगातार जावस जावरा तक सुधीर जी का मूवमेंट चल रहा है। वे लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर जिला अस्पतालों का दौरा कर रहे हैं। नीमच में उन्होंने वेंटिलेटर की व्यवस्था करवाई, मास्क सैनिटाइजर से लेकर तमाम चीज़ें उपलब्ध कराई, यहाँ तक कि लगातार वे प्रशासन के संपर्क में हैं, उनके साथ उनकी मीटिंग्स का दौर जारी है। आज भी वे नीमच में इसी सिलसिले में आए हैं। इस पूरे मामले पर हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस पूरी महामारी को लेके अब तक के जो हालात बने हैं, उन्होंने क्या देखा, क्या पाया। सुधीर जी, आप जब से कोरोना संकट है, लॉकडाउन है, आप क्षेत्र के प्रवास पे हैं, आप इलाके में घूम रहे हैं, अभी तक का क्या सीन आपको नज़र आता है? जिस तरह आप नीमच, मंदसौर और जावरा भी गए, आप तीनों जगह आपने क्या चीज़ ख़ास तौर पर देखी? नहीं, सबसे पहली चीज़ तो मैंने जो महसूस किया है, मैं इस दौर में कोरोना जब डिसाइड हो गया था तब दिल्ली ही था, तो दिल्ली से लेकर यहाँ तक जाने आने के क्रम में लोगों से मिलने का क्रम बना, लेकिन मैं अनुभव कर रहा हूँ जो मीडिया से जानकारियाँ हैं सबको लेकर, कि मंदसौर संसदीय क्षेत्र पूरा का पूरा अनुशासित तरीके से चल रहा है। खेतों किसानों में काम करने वाले लोग भी अपने आप को सामाजिक दूरी बनाते हुए, सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए चल रहे हैं। ये व्यवहार बहुत कम लोगों को देखने में मिलता है, लेकिन हम इसको अधिकतम प्रतिशत में मैं ये कहूँगा कि 95% से ऊपर ये अनुभव आ रहा है कि लोग उसको मेंटेन करके चल रहे हैं, और ये अनुशासन ही इसकी सबसे बड़ी जीत है। और ये संसदीय क्षेत्र में गांव-गांव के अंदर प्रशासन ने अपनी पकड़ को मजबूत किया है, तो सामाजिक संदर्भों में काम करने वाली कई संस्थाएं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सहित राजनीतिक दलों ने भी, सबने अपनी अपनी सहभागिता दी है। तो सबसे सुंदर दृश्य ये कि कोई ऐसा मैसेज नहीं है कि कोई रात भूखा सोया हो, लोग पहुंचते हैं, सूचनाओं के आधार पर, संदेशों के आधार पर अपने घर से भोजन बनाकर देने का क्रम इस ज़िले में चला है। कल के ही मैंने रिपोर्ट लिया था, अकेले जिला मंदसौर में लगभग 3200 भोजन पैकेट तो भारतीय जनता पार्टी के समूह ने दिए हैं, और ऐसा पूरा संसदीय क्षेत्र में है, सिंगोली से लेकर और पिपलोदा तक ये महसूस होता रहा है। पत्रकार बहुत सकारात्मक तरीके से समाज के बीच में रहकर काम कर रहे हैं, तो सफाई कर्मी इस भीषण महामारी के दौर में भी अपने कर्तव्यों का पूरी प्रामाणिकता से कह दें, या यूं कह दें कि पहले के दौर से भी ज़्यादा तीव्रता से वो काम कर रहे हैं। स्वास्थ्यकर्मी अलर्ट हैं, प्रशासन के लोग खड़े हैं, और डॉक्टरों ने अपने सकारात्मक रूप को सबके सामने प्रस्तुत किया, ये बहुत अच्छा संदेश होता है ऐसे दौर में। बड़ी बात बोली आपने, पिपलोदा से सिंगोली तक कोई भूखा नहीं सोया। तो आप जो अभी तक की जो मॉनिटरिंग है, उसमें लॉकडाउन के अंदर जो चल रहा है, इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस बात की नज़र आई, जब ग्रामीण क्षेत्र या शहरी क्षेत्र में क्या डिमांड लगती है लोगों की? देखिए, डिमांड जब आकर खड़ी होती है तो राशन के प्रबंधन को लेकर बात खड़ी हुई थी, लेकिन PDF सिस्टम बहुत स्ट्रांग तरीके से उन लोगों तक पहुँचा है जिनके पास BPL कार्डधारी थे, लेकिन जो कार्डधारी नहीं थे उनका एक बड़ा प्रश्न था। लेकिन मैं इसको बहुत गर्व से कह सकता हूँ कि ऐसी सूचियाँ बनी, हर पंचायत स्तर पर बनी, और बड़ी संख्या में ऐसे लोग जिनके पास कार्ड नहीं थे और जो बाहर से आए या निवास कर रहे हैं, उन लोगों को भी राशन पहुँचाने का काम किया है। अभी भी चिंतन के कई दौर में ऐसे लोग हैं जिनके पास प्रबंधन नहीं है किसी किस्म का, न खेती है, न व्यवस्था है, और जो लोग जैसे मंदिरों में पुजारी हैं, तो ये एक प्रश्न है। ऐसे कई लोग हो सकते हैं जिनको आवश्यकता हो, नहीं आवश्यकता है वो तो आ ही नहीं रहे। सबसे सुंदर दृश्य ये है, जिनको आवश्यकता है वो संदेश सरकार के पास पहुंचाते हैं, समाज के पास पहुंचाते हैं, और उनके प्रबंधन खड़े हो रहे हैं। सुधीर जी, आप नीमच आए हुए हैं, मैं आपको एक जानकारी अपडेट करना चाह रहा था कि नीमच में 2000 क्विंटल राशन आया हुआ है जो खाद्य विभाग के पास रखा है, लेकिन अभी तक वो बटा नहीं है। पिछले 7 दिन हो चुके हैं, लगातार ये बात की जा रही है, जो यहाँ खाद्य अधिकारी है उनसे भी संपर्क किया जा रहा है, लेकिन अब तक भी उन्होंने इस मामले में कोई गंभीर प्रयास नहीं किया।
तो आज आप प्रशासन से भी मिलने वाले हैं, तो ऐसे मामलों को भी देखा जाना आवश्यक है कि यदि प्रशासनिक अधिकारी कहीं चूक कर रहा है और लोगों तक वो चीज़ नहीं पहुंच रही जो सरकार भेज रही है। नहीं, जो सरकार ने अगर स्टॉक भेजा है तो उसकी मंशा क्या है, कौन सी तारीख को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये बड़ा देखने का विषय है। स्टॉक होना अलग विषय है, लेकिन मैं आपने विषय को बताया है तो मेरी तत्काल ही अभी जिला प्रशासन से चर्चा होनी है, तो ये आपके द्वारा अच्छा उठाया गया सब विषय, इस पर मैं अभी गंभीरता से चर्चा करूंगा। सुधीर जी, एक और ख़ास बात ये है कि ये पूरा जो इस समय पूरा राष्ट्र जो है वो खड़ा है और एक कोरोना संकट के खिलाफ लड़ रहा है, तो मोदी जी जब आते हैं और मोदी जी लोगों से जब आह्वान करते हैं, उन्होंने पहले कहा कि आप थाली कटोरी बजाएं, फिर कहा कि आप दीपक जलाएं, तो किस सेंस में ले रहे हैं लोग इसको, आप ग्रास रूट पे भी बात करते हैं, क्या लगता है? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ जो संदेश होता है सामूहिकता का संदेश होता है, अपने अंदर ऊर्जाएं खड़ी करने का, तो थाली बजाने का संदेश बहुत साफ संदेश था कि हम सब सामूहिकता के भाव को लेकर सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए अपने घरों के अंदर कैद रहकर भी और इस महामारी से लड़ रहे हैं। जब व्यक्ति एक दूसरे को देखता है, ये प्रतिस्पर्धा भी होती है और प्रतिस्पर्धा कई चीज़ों में रहती है, मैं तो इसे अच्छा ही मानता हूँ कि सामूहिकता का इसमें भाव विकसित हुआ और यही भाव आगे भी बढ़े। मैं अपील भी करूँगा आपकी चैनल के माध्यम से कि ये प्रतिस्पर्धा का भाव है जो एक दूसरे को देखकर करने का, प्रधानमंत्री राहत कोष में और डिजिटल माध्यम से भी लोग और धन भेजें और प्रत्येक व्यक्ति भेजे, ये संसदीय क्षेत्र का एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत हो सकता है। मैं आप सबसे भी, मुस्तफ़ा भाई आपसे भी अपील करूँगा कि डिजिटल माध्यम से और उसको प्रचारित भी करें, आप चाहे वो 100 रुपया भी क्यों ना भेजें न्यूनतम, लेकिन अपना अंशदान करें। तो ये सामूहिकता का भाव जो दीप प्रज्वलित होने से आता है, ये सामूहिकता का भाव थाली बजाने से आता है, ये सामूहिकता का भाव हमारे मोहल्ले में कोई भूखा सोए नहीं इस भाव से आता है, ये सामूहिकता का भाव घर परिवार के सदस्य अपनी मशीनों पर होममेड मास्क बनाकर अड़ोस पड़ोस में मोहल्ले में वितरित करते हुए नज़र आए, ये सामूहिकता का भाव हमारे अंदर से प्रकट होता है। गुप्ता साहब, आपने बड़ी बात बोली और लोगों को जो है तो निश्चित तौर पे इस राष्ट्रीय आपदा के समय मदद करनी चाहिए और कोष में पैसा भेजना ही चाहिए। आप पिछले 15 दिनों से इस संकट के दौर में संसदीय क्षेत्र के भ्रमण पे हैं, ऐसी कोई घटना जिसने आपको अंदर तक हिला दिया हो, कुछ ऐसा आपने देखा हो, कुछ याद आता है आपको? मैंने इसको देखिए बहुत सारी चीज़ों में, सबसे बड़ी बात तो ये, मैंने कई लोगों को इस पूरे संसदीय क्षेत्र में अपने वाहनों पर भोजन के पैकेट, उस दौर में जब एकदम अचानक से हुआ था और देश भर के लोग आ जा रहे थे, तो ढोडर में मैंने देखा, मैंने कहा भाई ये क्या है मोटरसाइकिल पर, बोले भाई साहब घर से 25 पैकेट बनवा के लाया हूँ। मैंने कहा यहाँ क्या करोगे, बोले कहा किसी एक गाड़ी वाले को, दो गाड़ी वाले को जिसको भोजन की आवश्यकता, मैं उसको उपलब्ध कराऊँगा। ऐसे सैकड़ों लोग, ये कैसी भावना थी उस समय, अकेले ढोडर पॉइंट पर उसी दिन 2200 पैकेट अकेले लोगों ने लाकर, गांव-गांव से लाकर खड़े करके, ये अंदर की भावना निश्चित रूप से बताती है कि भारत के अंदर आज भी अतिथि सद्भाव सत्कार के भाव तो अंदर मौजूद हैं। काफ़ी बड़ी बात है और लोग जिस तरह से बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी कर रहे हैं, आखिर में क्या लगता है सुधीर जी के लॉकडाउन की जो स्थिति है, आप तो दिल्ली के सीधे संपर्क में हैं, कब तक आगे खींच सकता है ये लॉकडाउन, क्या हो? देखिए ये तो समय आने पर 13 या 14 तारीख के पहले, 14 के पहले, और हमारी जो नेशनल लेवल की टीम है वो अपना फैसला सुनाएगी, क्योंकि आंकड़ों के आधार पर और WHO से कनेक्टिविटी के आधार पर, भारत सरकार के जो हेल्थ से रिलेटेड संपर्क हैं उन सूत्रों के आधार पर ही निर्णय होगा। लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूं कि इसे आदत में बनाना चाहिए सोशल डिस्टेंसिंग को, लगभग 2-4 महीने तो हर एक व्यक्ति को अपने भाव स्वभाव में लाना चाहिए, मास्क का जितना उपयोग कर सके, हाथों को जितना साफ रख सके, ये व्यवहार में लाने का विषय। सामान्य जनजीवन तो चालू होगा ही, आज नहीं तो कल, कुछ दिन और भी अगर होना पड़ा तो लोग तैयार हैं उसके लिए, क्योंकि इस महामारी से छुटकारा पाना है। धन्यवाद सुधीर जी, ये थे सांसद सुधीर गुप्ता साहब, जिनके लिए मैं खास तौर पे एक और बात बता दूं कि जब से कोरोना संकट शुरू हुआ है, जब से लॉकडाउन हुआ है, वे लगातार घूम रहे हैं और घूमने के दौरान उन्होंने अपनी एक खास आदत डेवलप की है, वो ये की है कि उन्होंने हाथ मिलाना बिल्कुल बंद कर दिया है, वो सबसे प्रणाम और नमस्कार करके मिलते हैं और दूसरा सुबह से लेकर रात तक जब तक वे दौरे पर रहते हैं कहीं भी बैठते नहीं है और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हैं, और उन्होंने संसदीय क्षेत्र की जनता से भी ये अपील की है कि वो इन सारी चीज़ों को अपनी आदत में लाए,
ताकि कोरोना की चेन को तोड़ा जा सके और इस बीमारी को हराया जा सके। मेरे सहयोगी नवीन पाटीदार के साथ मुस्तफा हुसैन।